नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्यू टेन चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब जो फर्दर जो चीजें हैं उनके बारे में। तो एचटीएमएल सीख ली, सीएसएस बेसिक सीख लिया, उसके बाद में बात आती है जावास्क्रिप्ट की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी, हमने एक फॉर्म बनाया था एचटीएमएल की फॉर्म टैग यूज करके, और हमने ये एक फॉर्म बनाया था नेम, ईमेल, सेलेक्ट योर जेंडर, और इसके बाद में सबमिट बटन हमने क्लिक करवाया था। तो सबमिट बटन पे कोई कोड रन नहीं हुआ था, बट इतना हमने कर लिया था। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप वो पिछले वीडियो देखिए। यदि देख लिए तो फिर इस वीडियो में हम अब स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो पहली बात की जावास्क्रिप्ट है क्या, ये चीज आपको सबसे पहले क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि भाई जावास्क्रिप्ट है क्या, एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप आपके एचटीएमएल पेज में फंक्शनलिटीज ऐड कर सकते हैं। फंक्शनलिटीज मतलब एग्जाम्पल समझते हैं कि हमने पिछले एक जब एचटीएमएल और सीएसएस पढ़ा रहे थे तब हमने बात की थी, कंसेप्ट समझा रहे थे तब कि एचटीएमएल का मतलब ढांचा। जैसे एक घर बनाते हैं तो उसका घर का पूरा ढांचा बना देते हैं आप, मतलब ईंटों से चीन देते हैं और पूरे मकान वकान बन गए, वो क्या हो गया एचटीएमएल, मतलब आपका वेब पेज बन गया। जो जो चीजें उसमें थी, जितने कमरे बनने थे वो कमरे बन गए, सब कुछ बन गया। फिर हमने सीएसएस लेके आए, हम मतलब हमने क्या किया, उसका कलरिंग किया, पेंटिंग किया, अलग अलग कलर बनाए, अलग अलग पेंटिंग वहां पे बना दी। अब उसका क्या है, उस घर का अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव घर वो बन गया, मतलब लोग उसको देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है वो घर, ठीक है। लेकिन अब लोगों के काम आ जाएं ऐसी कुछ चीजें आप उसमें और ऐड कर सकते हैं, उनको बोलते हैं फंक्शनलिटी। जैसे आपके घर में क्या, आप जैसे आपने घर बना लिया, कलरिंग कर दिया, अब आपके घर में आप क्या करते हैं, डोरबेल लगाते हैं। डोरबेल किस लिए, ताकि जब भी कोई आए तो उसकी फंक्शनलिटी, मतलब वो आपके घर का एक फंक्शन हो गया, जिससे क्या है बाहर वाला लोग आपको क्या कर सकता है, बता सकता है कि भाई मैं बाहर आया हूं, आप गेट खोलो, क्लियर है। ऐसे ही एचटीएमएल सीएसएस के साथ में जो वेब पेजेस बनाते हैं उनमें फंक्शनलिटीज ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे वो जो घंटी वाला जो एग्जाम्पल था वो क्या है, जावास्क्रिप्ट। मतलब एचटीएमएल के पेज में यदि आप पेज में कोई चीज देते हैं और उस पर कोई चीज क्लिक करे या कोई माउस लेके जाए या कुछ भी करे, तो उस पर आप एक स्क्रिप्ट चला सकते हैं, आप एक कोड चला सकते हैं, और फिर वो कोड क्या है, उस कोड में आप कोई भी फंक्शनलिटीज कन्वर्ट करा सकते हैं, मतलब कोई भी फंक्शनलिटीज दे सकते हैं, क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, आप कई बार आप एक वेबसाइट पे जाते हैं कभी कभी कभी, है ना, तो वहां पे क्या होता है, कुछ बटन लिखा होता है और वहां पे जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज शो करता है, कभी कोई मैसेज आता है, कभी एक वेबसाइट आपको दूसरी वेबसाइट पे लेके जाती है, आपको बोलता है कि ये वेबसाइट जो है अब हम इस वेबसाइट पे जा रहे हैं, मतलब रीडायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी फंक्शनलिटीज किसकी मदद से डाली जाती है, जावास्क्रिप्ट की मदद से, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप यूज करते हैं। अब बात आती है जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड करने की जरूरत है, नहीं, जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट आपके ब्राउजर में अवेलेबल होती है, आपको उसको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सभी के लिए फ्री है, सभी लोग यूज कर सकते हैं बिना लाइसेंस लिए हुए, ओके। उसके बाद में बात आती है जावास्क्रिप्ट क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज क्या क्या है। तो एचटीएमएल में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एचटीएमएल में सारी चीज क्या है, एलिमेंट्स है, डिव एलिमेंट है, हेडर, सॉरी हेडिंग एलिमेंट है, उसके बाद में आपका बॉडी है, फुटर है, सेक्शन है, ये सारी चीज क्या है, एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट के अंदर कोई कंटेंट है, पहले कोई कंटेंट शो कर रहा है और जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चलेगा तब वो कंटेंट चेंज होना चाहिए, तो वो चीज जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये कोड का सिंटेक्स है। जैसे सिंटेक्स कैसे, एक बार ये समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट मतलब वो आपका जो पेज है, वो जो पेज है वो उसमें सर्च कर रहा है, ये एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये मतलब ये समझ लीजिए, ये मेथड जो है बहुत यूज होने वाला है जावास्क्रिप्ट का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, मतलब जिसको ज्यादातर यूज करते हैं लोग, वो क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। मतलब कोई भी एलिमेंट का आपको कोई भी चीज चेंज करनी है, कोई भी परफॉर्म करना है उसमें, तो आपको उसकी आईडी से आपको क्या करना है, उसको सर्च करना होगा। आईडी कैसे लगाते हैं, पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे आप इसको आईडी लगा सकते हैं आपके जो भी एलिमेंट है उनके। फिर यहाँ पे डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब आप उसका इनर एचटीएमएल है, जैसे एक पैराग्राफ है, जैसे क्या है, एक पैराग्राफ है, यदि यहाँ पे जैसे आप एक कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये एक हेडिंग है, तो इस हेडिंग की एक आईडी दे दी हमने हेडर डी, और इसका इनर एचटीएमएल क्या है, कॉन्टेक्ट अस। इनर एचटीएमएल मतलब कॉन्टेक्ट अस जो है ये वही है यहाँ पे। तो यदि ये इनर एचटीएमएल आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए कोड क्या होगा, ऐसे ये कोड आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से कॉन्टेक्ट अस की जगह ये चीज लिखी आ जाएगी, क्लियर है, ओके। उसके बाद में और क्या क्या चीजें कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल भी देखने वाले हैं। आप एट्रीब्यूट्स की वैल्यू चेंज कर सकते थे, एट्रीब्यूट्स मतलब जैसे एक इमेज आप यदि लगा रहे हैं तो इमेज का एट्रीब्यूट हमने दिया था वहां पे, इमेज आईएमजी टैग और एसआरसी इक्वल टू इमेज डॉट जेपीजी, ऐसे लगाया था। तो जो एसआरसी वो क्या एट्रीब्यूट्स है,
और इसकी वैल्यू क्या है, जो हमने वो इमेज का नाम दिया वो उसकी वैल्यू है। तो कोई भी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, सीएसएस चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए पहले आपने फॉन्ट साइज 20px दिया था, लेकिन आपको कोई बटन पे क्लिक करें, बटन आप वेबसाइट पे देखते ना, ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, मतलब आपको कई वेबसाइट जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट उन पे मिलेगा कि आप इस वेबसाइट का जो कंटेंट है उस पे जैसे आप क्लिक करें तो वो कंटेंट साइज क्या है, फॉन्ट साइज कम या ज्यादा किया जा सकता है, ताकि जो यूजर है उसकी रीडेबिलिटी सही हो सके, मतलब वो अपनी रीडेबिलिटी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से इस वेबसाइट को विजिट कर सके। तो ऐसी सारी चीजें जावास्क्रिप्ट की मदद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हर वेबसाइट का अलग अलग कंसेप्ट होता है कि वो लोग कैसे ऐड कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया। उसके बाद में HTML एलिमेंट को शो करना, हाइड करना, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आपको ये फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे क्लिक करेंगे तो पेज लोड नहीं होता है, कुछ चीजें जो शो होती हैं फिर कुछ चीजें हाइड हो जाती हैं, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, शो और हाइड भी आप क्या कर सकते हैं HTML की मदद, ओ जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। अब बात आती है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की, कि कैसे आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे ये जो पिछले वाला एग्जाम्पल था इसी में काम करते हैं, और यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बटन ले लेते हैं। बटन लेने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप इनपुट एलिमेंट ले लीजिए, उसको सबमिट डिक्लेयर कर दीजिए, या फिर आप बटन एलिमेंट ही कॉल कर सकते हैं। तो मैं बटन एलिमेंट कॉल कर रहा हूँ, बटन टाइप बटन, ओके। अब बात आती है यहाँ पे, इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे इसका नाम दे दें, क्लिक में लिख दिया मैंने, और टैग क्लोज करते हैं। यहां पे एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं, क्योंकि हमको वैल्यू शो करानी है ना, और इस पैराग्राफ को यहां पे क्लोज भी कर देते हैं, और पैराग्राफ में लिख देते हैं रिफ्रेश करते हैं, ये बटन बना लिया, और ये हमने क्या है, एक यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया, वैल्यू डिस्प्ले, मतलब वैल्यू क्या है यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब क्या करते हैं, इस बटन के क्लिक पे कोई काम होना चाहिए, तो इस बटन का एक क्या होता है, क्लिक इवेंट होता है। बटन का क्या होता है, क्लिक इवेंट होता है। जैसे हम डोरबेल की बात कर रहे थे कि डोरबेल को कोई बजाएगा, तो जो डोरबेल को दबा रहा है तो वो क्या है, उसका दबाने वाला इवेंट है। ऐसे ही HTML के जो वेब पेजेस होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑन क्लिक इवेंट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस ऑन क्लिक इवेंट पे वो जावास्क्रिप्ट चलाएंगे। तो यहां पे लिखते हैं ऑन क्लिक, ठीक है, लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट और डॉट, इस डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट चाहिए हमको, एलिमेंट जिसकी आईडी, जिसकी आईडी क्या है, डिस, ठीक है, उसका इनर HTML चेंज करना है हमें, और इनर HTML क्या होना चाहिए, यहां पे लिख देते हैं वैल्यू चेंज, अभी जस्ट टेस्ट करने के लिए हम लिख रहे हैं वैल्यू चेंज, फिर बाद में जो आप चीज बोलेंगे वो चीज हम क्या कर सकते हैं, यहां पे फंक्शन चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो वैसे ही है href और वो वाली जो चीज है ना वो, तो इसको क्या कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां रिफ्रेश करते हैं और यहां पे देखते हैं कि इसको चला के क्लिक करें, क्लिक मी पे क्लिक करते हैं तो आ गया वैल्यू चेंज्ड, आ गया ना, पहले कुछ वैल्यू थी अभी वैल्यू चेंज्ड हो गई। देखिए वैल्यू कैसे चेंज हुआ, यहां पे रिफ्रेश करते हैं, इस क्लिक मी पे क्लिक किया तो वैल्यू चेंज्ड। वैल्यू चेंज क्यों हो रही है, ये फंक्शन आपको देखना होगा, इस फंक्शन को लिखते टाइम कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी वो भी मैं आपको बताने वाला। सबसे पहली बात, ऑन क्लिक क्या हो गया, जैसे आपका एट्रीब्यूट था वैसे ये क्या हो गया, एक एट्रीब्यूट हो गया, मतलब ये इनलाइन सीएसएस जैसे लिखते हैं ना वैसे क्या हो गया, ये इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं आप, ओके। डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट पहले हमें सर्च करना है कि कौन से एलिमेंट की वैल्यू चेंज करनी, वो एलिमेंट का वैल्यू जो ये डिस है ना ये हमेशा सिंगल कोट में देना है, ये जो सिंगल आपको ये लगी है ना इसमें देना है, ये नहीं लगाना है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, हमें आईडी चाहिए, तो आईडी जब भी डिफाइन करें तो इसमें सिंगल में डॉट इनर HTML, ये फंक्शन ही है, मतलब ये क्या मेथड है, गेट एलिमेंट बाय आईडी हो गई, ये मेथड है, और ये इसका हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू कॉल कर रहे हैं कि इसका इनर HTML क्या करना है, चेंज करना है, तो इक्वल टू, और यहाँ पे लिखा है वैल्यू चेंज्ड। अब ये जो वैल्यू चेंज्ड है ये आप कैसे भी लिख सकते हैं,
सिंगल कोट में या तो डबल कोट में, और जितनी भी पूरी वैल्यू होगी उसको फिर डबल कोट में आपको इनक्लोज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी चीज चेंज करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे यदि आप चाहें कि डेट और टाइम आना चाहिए, तो डेट टाइम के लिए एक फंक्शन है, डिफॉल्ट फंक्शन है, ठीक है, वो हमने नहीं बनाया, वो डिफॉल्ट एक फंक्शन ही है, फंक्शन है ना जी, डेट बस। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डेट टाइम शो करेगा, आगे ट्यूजडे 15 सितंबर 17:04 और ये, ठीक है। तो ऐसे पता चलता है कि आपका जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कैसे काम करता है। क्लियर है, एक फंक्शन आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे आपको रनिंग फंक्शन कैसे आप ऐड कर सकते हैं कोई भी एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। अब जो दूसरी बात है वो क्या है, दो जो चीजें अभी हमने सीखी है कि कैसे कैसे आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, उसमें जितनी चीजें दी हुई है वो सारी हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, स्टाइल डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं कि ये हाइड होना चाहिए या ये होना चाहिए। तो जितने लोग रजिस्टर्ड हैं या जो नहीं भी रजिस्टर्ड है वो इस एग्जाम्पल को देख के आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इस प्रेजेंटेशन में जो आपको कोड दिख रहा है वो प्रैक्टिस करिए कि कैसे आप इसको यूज करना है। अब बात आती है उसके बाद में कि जावास्क्रिप्ट को यूज कहाँ कहाँ करना है। जैसे इनलाइन एक्सटर्नल और ये सीएसएस थी ना, वैसे ही जावास्क्रिप्ट को भी तीन जगह पे यूज कर सकते हैं। पहली बात, आप हेड में लिख सकते हैं, हेड मतलब जहां पे स्टाइल लिख रहे थे आप। दूसरी बात, जैसे यहां पे है ना, ये देखिए ये स्क्रिप्ट लिखा है, जैसे सीएसएस को आप स्टाइल टैग में इनक्लोज कर रहे थे, इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग में इनक्लोज करना पड़ेगा। स्टाइल के लिए यहाँ पे सीएसएस के लिए यहाँ स्टाइल लिख रहे थे, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट, और उसके बाद में कॉल करना है। तो ये अभी हम सारे चेंज चेक करने वाले हैं, कैसे कैसे ये एग्जाम्पल है, बॉडी में कैसे लिखना है और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे लिखनी, तीन तरीके हैं, तीनों तरीके अभी हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। कोड कॉपी करते हैं, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे स्क्रिप्ट है, ये पूरा टैग को क्या कर रहा हूँ मैं, कॉपी कर रहा हूँ, और इस टैग को अपन क्या कर रहे हैं, आपका जो कोड है उसके अंदर में लेके जा रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमने स्क्रिप्ट में कोड पेस्ट कर दिया, जो हमारा पहले वाला कोड था, यही कोड, ये जो कोड था ना, ये वाला जो बटन पे था ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, वहां ऊपर हम लेके चले गए। एक बार मैं समझा देता हूँ आपको कि वो कोड में कैसे लेके गया, मतलब क्या कंसेप्ट है वो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ये सेम है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आई डी डिस डॉट इनर एच टी एम एल डॉट वैल्यू चेंज, ये सारा कंटेंट क्या है आपका, सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऊपर मैंने फंक्शन फिर माई फंक्शन ऐसे लिख दिया मैंने, ये क्या है एक बार आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे जब भी हेड में हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक मेथड बना रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मेथड मतलब एक फंक्शन बना रहे हैं, और उस फंक्शन का नाम है माई फंक्शन। और जब भी हमें इस डिस वाले एलिमेंट को चेंज करना होगा तब हम क्या करेंगे, इस माई फंक्शन को कॉल कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्लास बना रहे थे सीएसएस में, है ना, और जहां पे भी वो फॉर्मेटिंग चाहिए आपको, वो कलर चाहिए, वो स्टाइल चाहिए, तो हम क्या कर रहे थे, उस क्लास को कॉल कर लेते, है ना। जैसे ये डिव है, इसकी क्लास हमने दी थी साइड, है ना, और ये क्लास कहाँ पे बनाई हुई है हमने, यहाँ पे स्टाइल में। यदि आप यहाँ पे स्टाइल में देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या है, ये क्लास बनाई हुई है, ये है साइड क्लास, ये क्लास बनाई हुई है ना। अब जहां पे भी जिस भी डिव को हमें ये साइड वाली सीएसएस देनी होगी, वहां पे हम क्या करेंगे, इस क्लास को डिक्लेयर कर देंगे। तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्रिएट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना दिया, माई फंक्शन लिख दिया, और यहाँ पे इसकी ये हमने कोड लिख दिया। अब जहां पे भी आपको ये चाहिए वहां पे इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जैसे इस बटन के क्लिक पे हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम पहले ऑन क्लिक लिख रहे थे ना, अभी भी ऑन क्लिक ही लिखना है, लेकिन अब क्या लिखना है, यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करें, क्या कोड सही है, क्या कोड सही है क्या, चलिए रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने पे आप यदि इस पे क्लिक करो, अभी क्या आ रहा है, वैल्यू डिस्प्ले एरिया आ रहा है, क्योंकि ये डिफॉल्ट है वैल्यू डिस्प्ले एरिया। अब यदि इस पे क्लिक करो तो क्या आना चाहिए, वैल्यू चेंज आना चाहिए, तब तो हमारा कोड सही है, नहीं तो नहीं। क्लिक किया, वैल्यू चेंज हो गया। अब यहाँ पे कोड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन माई फंक्शन, और वो कहाँ लिखा हुआ है, हेड के अंदर में लिखा हुआ है, हेड के अंदर लिखा हुआ है, और उस हेड के अंदर वाला जो कोड है वो भी सेम ही काम कर रहा है जो हमारा यहाँ वाला काम कर रहा था। दूसरी बात आती है, हेड के अंदर ना लिख के, पहला एग्जाम्पल तो ये होगा, आप हेड के अंदर लिख सकते हैं,
दूसरी बात, आप बॉडी में भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बॉडी में भी इस फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे ये स्क्रिप्ट है ना, इसको पूरे कोड को कॉपी करके लेके आ जाइए, यहां से कट कर दिया, यहीं पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे ही मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्रिप्ट और ऐसे लिख दिया बस सिंपल, और सेव कर देता हूँ। मतलब अलग से एक फंक्शन बना दिया, वो फंक्शन स्क्रिप्ट टैग के अंदर में दे दिया। और फिर उसके बाद भी यदि हम रिफ्रेश करते हैं और इस क्लिक में पे क्लिक करता हूँ तो वैल्यू चेंज आती है, आ रही है। मतलब यहाँ पे भी काम कर रहा है। पहली बात हेड में कर सकते हैं, दूसरी बात बॉडी में भी कर सकते हैं, तीसरी बात आप यदि चाहें जैसे सीएसएस में एक्सएमएल यूज कर रहे थे वैसे इसमें भी यूज कर सकते हैं। वैसे क्या कर सकते हैं, इसमें भी आप एक्सएमएल यूज कर सकते हैं। क्या करना होगा, पहले आपको हेड में तो ये लिखनी होगी माई स्क्रिप्ट, कि मेरी स्क्रिप्ट ये है, और इसको फिर क्या करना होगा, यूज करना होगा। लेकिन ये मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, क्यों, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। एक बार एक्सएमएल कैसे बनानी है, सीएसएस जैसे बनाई थी वैसे ही बनानी है, लेकिन इस बार जो फाइल का टाइप होगा वो क्या होगा, डॉट सीएसएस होगा। जैसे एचटीएमएल की फाइल का क्या होता है, डॉट एचटीएमएल, सीएसएस की फाइल का डॉट सीएसएस, ऐसे जावा स्क्रिप्ट की फाइल का जो एक्सटेंशन है वो होता है डॉट जेएस। ये आप करके देखेंगे, यदि नहीं होगा तो फिर मुझे बताइए, डाउट क्लियर सेशन में आप इसको क्लियर करें, ठीक है। ये आपको करना, मतलब ये आपका होमवर्क है जिन लोगों ने रजिस्टर्ड किया है उनके लिए। अब बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट आउटपुट। जावा स्क्रिप्ट आउटपुट किस लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल बताया कि जैसे आपकी वेबसाइट पे कोई बटन है और उस पर कोई क्लिक करे तो आप कोई मैसेज शो कराना चाहते हैं, इसका मतलब वो एक आउटपुट है, वो आप दिखाना चाह रहे हैं। तो उसके अलग अलग तरीके हैं। पहली बात, इनर एचटीएमएल से आप यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं वो आउटपुट हो सकता है, ओके। डॉक्यूमेंट राइट एक यूज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट राइट कहीं पे भी यूज नहीं करना है, याद रखना है। लेकिन इस टेस्टिंग के लिए जब भी आप डेवलपिंग कर रहे हैं तब आप इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज क्यों नहीं करना है, ये भी डाउट आ सकता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट को इसलिए यूज नहीं करना है क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज करने से फिर जो पूरा पेज है उसका कंटेंट चेंज होगा, मतलब आपका जो पेज लोड हो गया उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हो तो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो कोड क्या होगा, राइट होगा। एक बार आप इसको ट्राई करना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करने पर क्या होगा। ये मैं बताना है तो बताना है ही, यहाँ पे मैं तो बताने के लिए ही हूँ, लेकिन आप इसको ट्राई करिए, मैं कोड तो आपको दे ही रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, अलर्ट। और विंडो अलर्ट भी यूज मत करिए, आपको क्या करना है, ये वाला अलर्ट यूज करना है। ये स्क्रिप्ट आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि जब भी आपको कभी अलर्ट देना है, कोई मैसेज शो कराना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देखने वाला है। पहले क्या करेंगे, अलर्ट का एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद में फिर फर्दर हम एक एग्जाम्पल की बात करेंगे जो इस वीडियो में अभी देखने वाला है, ठीक है। तो अलर्ट की कैसे बात करें, यहाँ पे ऑन क्लिक माई फंक्शन हमने लिख दिया, यहाँ पे यदि आप चाहें तो अलर्ट दे सकते हैं। कैसे, जैसे अलर्ट, सिंपल क्या लिखना है, आपको अलर्ट ही लिखना है और उसके बाद में ब्रैकेट में आपको जो वैल्यू दिखानी है वो दिखा सकते हैं। सॉरी, इसको आपको क्या करना होगा, ये स्ट्रिंग है ना आपकी, तो जब भी आप कोई भी डाटा लिख रहे हैं तो आप पहले बता दीजिए कि डाटा क्या है, ताकि आपका जो भी कोड है उसको समझने में, उसको एग्जीक्यूट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम यहां पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहां पे क्लिक में पे क्लिक करने से क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आ रहा है दिस पेज, मतलब ये पेज आपको बोल रहा है हेलो एवरीवन। तो ऐसे क्या हो रहा है, मैसेज बॉक्स, अब ये वैल्यू डिस्प्ले एरिया चेंज नहीं हो रहा, अब सिर्फ एक मैसेज आ रहा है हेलो एवरीवन। क्लियर है, सभी को क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। अब बात करते हैं इसी जावास्क्रिप्ट में एक छोटा सा कोड हम लिख के देख रहे हैं, मैं आपको कोड लिख के फिर बता रहा हूं कि ये क्या है और कैसे। उसके लिए ये जो नीचे वाला जो चीज था, मतलब हम इस कॉन्टेक्ट अस वाले सेक्शन को छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये जो हमारा सेक्शन था जो कम्युनिटी वाला, लर्नर्स कम्युनिटी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ चीज लिखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको कोड पेस्ट करके फिर मैं दिखा रहा हूँ और फिर उसको मैं समझाता हूँ, ओके ओके। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है जो अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया है कहीं से, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं, यहाँ पे जो ये वाला डिव था हमारा, ये था ना डिव, इस डिव के अंदर में हमने
ये चीजें पेस्ट किए। कौन कौन सी चीजें हैं? एक बटन बनाया जिस बटन पे लिखा है टर्न ऑन, और एक बटन बनाया जिस पे लिखा है टर्न ऑफ, और बीच में एक बल्ब का इमेज है। बल्ब का इमेज का SRC क्या है यहाँ पे देखिए, बल्ब ऑफ डॉट जिफ। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये बल्ब क्या है, ऑफ वाली जिफ जो है वो रहती है हमेशा, टर्न ऑफ रहती है। लेकिन जैसे इस ऑन बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी माई इमेज, ये आईडी है, इसके SRC क्या चेंज हो जाएगी, बटन बल्ब ऑन डॉट जिफ। मतलब दो इमेज है यहाँ पे इस फोल्डर में, एक का नाम है बल्ब ऑन डॉट जिफ और एक का नाम है बल्ब ऑफ डॉट जिफ। तो ये दोनों जो जिफ है वो क्या करेंगे यहाँ पे चेंज होती है। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ मैं अभी, तो देखिए बल्ब जल गया है, इस पे क्लिक करते हैं तो बल्ब ऑफ हो गया। ठीक है, कहने का मतलब डोरबेल बजी, डोरबेल बंद हो। तो ये क्या था, बटन आपने यहाँ पे लगाया, लेकिन क्या बल्ब जल रहा है, बुझ रहा है थोड़ी है, ऐसा यूजर को लगता है, लेकिन सही में हो क्या रहा है कि जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं तो बल्ब की इमेज चेंज हो रही है, लेकिन पता क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि बाकी चीजें सेम है, सिर्फ ये वाला एरिया चेंज हो रहा है, तो इसलिए आपका फ्लक्चुएशन पता आपको चल नहीं रहा है। ठीक है, और पेज कहीं पे रिफ्रेश नहीं हो रहा। पेज को जब भी देखना है ना कि जब पेज जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो पेज सर्वर पे जब जाता है तब यहाँ पे देखिए ये आपको जो आ रहा है ये यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आता है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो कितनी देर में आपका रिफ्रेश हो जाता है, उतना आपको क्या है पेज सर्वर पे जाता है, नया पेज आएगा। अब यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी इमेज चेंज हो रही है। तो ये था एक एग्जाम्पल जो हमने देखा कि JavaScript पे यूज करके कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। जिन लोगों ने रजिस्टर्ड किया है उनको प्रैक्टिकल स्टडी मटेरियल, ये जो कोड है ये उसी फोल्डर में अवेलेबल है जहाँ पे आपको अवेलेबल है, तो उस वाले फोल्डर को हम अपडेट करते रहते हैं जैसे जैसे क्लास प्रोसीड कर रही है। तो आज भी अभी लेटेस्ट अपडेट है, आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो अब जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पूरी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में जितनी टोटल प्रेजेंटेशन है अभी 103 पेज हो गए, 103 पेज है, तो 103 पेज की प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, और अब जो बेसिक चीज है वो खत्म हो गई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।